आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जबलपुर में कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण केंद्र में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां कुछ लोगों को पहली डोज लगने के बाद सर्टिफिकेट दूसरी डोज का भी जारी कर दिया गया है, जिससे टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला परसवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां एक महिला अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पहुंची पर उसे बड़ी मुश्किल से दूसरी डोज लगाई गई, क्योंकि पहली डोज के बाद ही महिला को कुछ दिन बाद दूसरी डोज की वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया, जबकि महिला में दूसरी डोज की वैक्सीन नहीं लगाई थी। महिला का कहना है कि ऐसा केवल उन्हीं के साथ नहीं हुआ, बल्कि उनके जैसे कई लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसा किया गया, जो कि गलत है। महिला ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण में अव्वल आने के चक्कर में लोगों को फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। आपका नाम? सुयोगिता सक्सेना। सर, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय विकास संगठन मध्य प्रदेश की। मुझे 25 अगस्त को सर मैंने पहला डोज लिया था अपना कोविड का वैक्सीन का, बट उसके बाद मेरे को जो दूसरा डोज लेना था वो था 25 नवंबर के दिन का। मैं उस समय आ नहीं पाई, मैं शहर के बाहर थी, परंतु मुझे वैक्सीनेशन नहीं लगने के बावजूद भी मुझे सर्टिफिकेट इशू हो गया है। आज मैं अभी सेंटर पे आई हुई हूँ वैक्सीनेशन लगवाने अपना सेकेंड डोज का, और मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, और भी हो सकता है लोग हों जिन्होंने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है, जिनको उठानी चाहिए कि उन लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगा और उनके सर्टिफिकेट्स इशू हो गए हैं। ये एक तरह की धांधली मुझे समझ में आ रही है, किस तरफ से है, कौन लोग कर रहे हैं, ये तो सरकार को देखने का बनता है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, हमारे सिवनी में भी हमारी एक आंटी हैं जिनकी की डेथ हो चुकी है फर्स्ट डोज लेने के बाद, और डेथ होने के बाद उनका सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि उनको सेकेंड डोज लगी है। तो मृत व्यक्ति को कैसे सेकेंड डोज लगी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है कि ऐसे सरकार कह रही है कि डोज बढ़ाया जाए या वैक्सीनेशन कराया जाए, कहीं बढ़ाने के चक्कर में संख्या इस चक्कर में फर्जी? एब्सोल्युटली, मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए ये लोग फर्जी इस तरह के सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं। आज कितनी तारीख, कहाँ पे आ रहा है ये कहानी है? मैं आज 3 दिसंबर है, मुझे 25 नवंबर को वैक्सीनेशन का डोज लगना था, आज मैं यहाँ पे आई हूँ फीवर क्लिनिक में सेकेंड डोज अपना लगवाने के लिए। सुयोगिता सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास संघ। आज सरकार ये दावा प्रस्तुत करती है एक बड़े स्वरूप में वैक्सीनेशन जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, और मध्य प्रदेश नंबर 1 वैक्सीनेशन में के मामले में आगे चल रहा है, ऐसा सरकार का दावा प्रतिदिन हम पढ़ते और समझते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक प्रतिनिधि हूँ जनता का और रेगुलर वैक्सीनेशन के कार्यों में लिप्त रहता हूँ, और यहाँ की जनता को जागरूक करता हूँ कि वैक्सीनेशन उनका होता रहे समय समय पर, जब उनके डोजेज जनरेट होते हैं, उनकी दिनांक आती हैं। ऐसे में जब मैंने वार्ड में भ्रमण करना चालू किया तो सेकेंड डोजेज़ के मामले में बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिनका सेकेंड डोज तय दिनांक में होना तय तो था, लेकिन उनके सेकेंड डोज आगे पीछे हो रहे हैं कुछ डेट्स के चलते, लेकिन उनके सर्टिफिकेट तय डेट पर इशू हो जा रहे हैं। ऐसे 4-5 मामले मेरे संज्ञान में आए, साथ में मेरे एक महिला जिनका मैंने सर्वे में पाया कि इनका वैक्सीनेशन डेट पर सर्टिफिकेट तो जनरेट हुआ लेकिन अभी तक इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। साथ ही ये मामला भी सामने आया कि इनकी आंटी थी जो फर्स्ट डोज के बाद ये दुनिया छोड़ करके ईश्वर को प्यारी हो गई हैं, उसके 2 महीने बाद उनकी जो अपकमिंग डेट थी वैक्सीनेशन की, वो सर्टिफिकेट भी उनका इशू हो गया है। आज ये मृत व्यक्ति का सर्टिफिकेट इशू करके क्या साबित करना चाहती है सरकार? मैं वैक्सीनेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वैक्सीनेशन बहुत कारगर है, लेकिन इस समस्या का समाधान अगर सरकार के पास हो तो मैं जानना चाहूँगा ऐसे लोगों का जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। आंकड़े केवल पेपर में चल रहे हैं, क्या ये राजनीतिक व्यक्तिगत एक मुद्दा है जिसको बताया जा रहा है कि यहाँ शिवराज सरकार जो महान सरकार है हमारा राज्य नंबर 1 पे आ रहा है, ये केवल देखने और दिखाने की बातें चल रही हैं? अगर इस तरह के डोजेस कंप्लीट करने हैं तो फिर ये स्वास्थ्य केंद्रों को आप वैक्सीनेशन मत लगवाइए, ज़्यादा बेटर है सर। ज़्यादा अगर आपको सर्वे करना है, कराना है, तो सही तरीका है कि जो व्यक्ति रह गए जिनको जागरूकता नहीं है उनको हम जैसे प्रतिनिधियों के माध्यम से उनको जागरूक किया जाए और घर घर जाकर के सर्वे किया जाए, तब ये वैक्सीनेशन संपूर्ण हो।